सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व जोड़ नाम, सर्व जोड़ नाम, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व नाम। यानी सभी नामों की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नाम होते हैं, संज्ञा में आते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो सर्वनाम में होते हैं यह, वह, तुम, ये, कुछ, वो, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, यानी किसी के नाम की जगह पर हम प्रयोग करते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम के लिए। बार बार एक शब्द को नहीं लिखकर हम वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला देखते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। राहुल यहाँ पर संज्ञा है, मैं यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, राहुल के लिए। तो वह यहाँ, मैं यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा क्या होती है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, यानी किसी का नाम होता है, वो होता है संज्ञा में। संज्ञा के स्थान पर, यानी एक शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करके हम वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता दिल्ली जाएगी, गीता आज खाना नहीं खाएगी, गीता विद्यालय जाएगी, यानी बार बार हम गीता 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 बोले जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले हम बोलेंगे गीता दिल्ली जाएगी, वह खाना नहीं खाएगी, वह विद्यालय जाएगी। ऐसे हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। उसी प्रकार हम देखते हैं अब सर्वनाम के वचन, यानी सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम दो वचनों में होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आते हैं जैसे कि मैं, तू, वह, ये शब्द हम कहाँ यूज कर प्रयोग करते हैं, एक वचन में। हम, वे, ये क्या कर कहाँ प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए। सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से छह भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, बोलने वाला कौन होता है, वक्ता, अपने लिए, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या बताए गए हैं, तीन बताए गए हैं कि एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति। तीनों के बारे में जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, बोलने वाले के लिए। मैं किसके लिए, स्वयं के लिए। मेरा, मेरा भी स्वयं के लिए। हमारा, हमारा भी स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं तू, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए बोल रहे हैं। तुम, तुम्हारा, यानी ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, सुनने वाले के लिए, यानी श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। अब हम देखते हैं वह,
वह किसके बारे में बोला जा रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। वे, उनका, ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क नंबर है उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष। अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा है, यानी उत्तम पुरुष कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला, कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी क्या होता है इसमें, वक्ता, वक्ता अपने लिए जो बात कहता है वो किस में आती है, उत्तम पुरुष में आती है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है। यहाँ पर हमारा किसके लिए प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष के लिए। यानी बोलने वाला अपने लिए बोलता है कि यह हमारा विद्यालय है। अगला है ख नंबर। ख में बताया गया है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यानी स्वयं के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगला है ख नंबर। ख में मध्यम पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता, यानी सुनने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, अपने लिए, सुनने वाले के लिए किया जाता है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है। यानी सामने के, सामने वाले के लिए जो बात कही जाती है वो किस में आती है, मध्यम पुरुष में। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, आज तुम देर से क्यों आए, बोलते हैं आज तुम यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुनने वाले के लिए। सामने वाले को बोलता है आज तुम देर से क्यों आए, तो ये किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। इसके बाद हम देखते हैं आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आप यहाँ पर किसके लिए किया गया प्रयोग, मध्यम पुरुष के लिए। यानी सुनने वाले के लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के बारे में, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कै नंबर में, हम देखते हैं वह सब्जी वाला कल भी आया था। यानी किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यानी वो व्यक्ति वहाँ नहीं है, वो कहीं अलग है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह सब्जी वाला कल भी आया था। यानी सब्जी वाले के बारे में कहा जा रहा है कि वह कल भी आया था। अब हम देखते हैं उनका घर गांव में है, उनका घर गांव में है। उनका यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, अन्य पुरुष में। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आपको होमवर्क करना है, यानी SW है आपका, जो भी मैंने पढ़ाया है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। धन्यवाद।